अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मार्केट में सैनिटाइजर जो है बहुत महंगा है, एक तो नायाब हो चुका है, मिलता ही नहीं है। अगर मिल जाए तो इतना महंगा मिलता है, यानी कि एक सैनिटाइजर जो आपको 200 रुपए में मिलता था वो अब 600 रुपए में मिलता है आपको, 500, 600, जहां पे भी मतलब उनका। आज का खैर मेरा ब्लॉग जो है वो सैनिटाइजर के ऊपर है कि आप घर में बैठ के सस्ता तरीन सैनिटाइजर बना सकते हैं और बहुत अच्छा। उसके लिए चीज़ें क्या चाहिए, ये दरकार होती हैं। एलोवेरा हर घर में मौजूद होता है, वैसे तो इसके पौधा हर घर में होता है, अगर नहीं है तो फिर ये मार्केट से आपको मिल जाएगा सस्ता सा ये भी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो कीमती चीज़ है वो सिप्रट, सर्जिकल सिप्रट, ये चाहिए होती है आपको लाजमी। इसके बाद ग्लैसलिन चाहिए होगी आपको, और विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए होंगे आपको। ये पूरा पत्ता 30 रुपए में मिल जाता है तकरीबन, और ये ग्लैसलिन भी 30 रुपए की आ जाती है, और ये भी सिप्रट 80-90 रुपए, 100 रुपए में ही आपको मिल जाएगा। तो मतलब ये काफ़ी चीज़ें तो आपको जो है सस्ते में आप जो सैनिटाइजर जो है वो 20 से 30 रुपए में आप बना सकते हैं घर में बैठकर। अच्छा, तरीकेकार क्या है बनाने का वो दिखाने जा रहा हूँ आपको मैं। अब मैं आपके सामने जो है वो ये छोटा सा गिलास है, ये इसे फिल करूंगा। ये मैंने डाल दी है जिसके अंदर ये सिप्रेट है, और सिप्रेट जो है आपने देखी एक आ गया है, हमने इसको इसमें डाल दिया है सिप्रेट को। और अब आपने जानना है ये एलोवेरा जेल, ये बहुत मुफीद है आपकी स्किन के लिए भी। इसको हम जो है एक हिस्सा इसका हम डालेंगे, मतलब अगर आपके पास एक गिलास ये डाला है तो हाफ गिलास जो है एलोवेरा का आप डालेंगे इसमें। बड़ा इजी है, आप घर में बना सकते हैं। और ये वैसे तो ये बाजार से लेकर आया हूँ मैं, मार्केट में मिल जाता है ये, वैसे तो हर घर में लगा होता है एलोवेरा, मुश्किल नहीं है। ये एक हिस्सा मैंने इसका इस तरह डाल देना है, इसको यहाँ से निकाल के ऐसे करके ताकि ईजी हो जाए। अब इसको हम मिक्स करेंगे ऐसे करके। आपका ये बेसिकली सैनिटाइजर जो है ये फिलहाल बन चुका है इस वक्त, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बनाने के लिए हम जो है इसमें ग्लैसरीन डालेंगे थिकनेस के लिए, ग्लैसरीन ज़्यादा अच्छी रहती है। इसको एक चम्मच ग्लैसरीन का इसमें डालेंगे हम, एक चम्मच काफ़ी है, और ये हमने रख दिया है। अब जो ये जैसे बताया था आपको मैंने विटामिन ई कैप्सूल, विटामिन ई का कैप्सूल जो है हम सिर्फ 2 डालेंगे इसमें, इसका महलूल इसमें डाल देंगे तो ये हमारे लिए मुफीद हो जाएगा। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है स्किन के लिए और बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा काम करता है। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ के जो है आप ये 5 मिनट नहीं लगेंगे, ये सैनिटाइज़र जो है अपने घर में बैठ के ही आप बना सकते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा, इसका इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ऐसे करके। जो सैनिटाइज़र जो आपको ये मार्केट में जो है 400 रुपये मिलेगा, 600 का मिलेगा, ये आप जो है 30 रुपये में 20 रुपये में घर में तैयार कर सकते हैं। 2/3 आपने जो है, अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो 2 ये ले लें अपना सिप्रेट के, और 1 जो है ये एलोवेरा के ले लें, तो मिक्स कर सकते हैं उसको बनाकर, क्योंकि सिप्रेट की ज़्यादा आ रही है तो इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा लगेगा कि खुशबू का, तो इसकी खुशबू थोड़ा सेम करने के लिए इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। घर में कोई अगर आपके ऑयल हो तो आप इसको घर में ऑयल भी ही डाल सकते हैं खुशबू के लिए ना, थोड़ी सी फ्रेगनेस के लिए। और अब हम इसमें 2 लेमन निचोड़ देंगे इसकी खुशबू के लिए, और विटामिन सी है लेमन का, देख रहे हैं पूरा रस है, ये बहुत इफेक्टिव है। और ये आप और ये आपका सैनिटाइजर जो है ये जबरदस्त तैयार हो चुका है। इसके हम थोड़े से बीज अब जो है वो यहाँ से निकाल लूंगा मैं इसको ऐसे करके। तो ये बड़ा इजी है, अब तो खैर माफिया शुरू है भाई। खैर अब ये आपका जो है सैनिटाइजर तैयार हो चुका है मुकम्मल तौर पे।
बहुत इजी है, जैसे आपको बताया था मैंने कि ये अब इसकी खुशबू देखते हैं कैसी है। ये रोटी चिकन, हाँ ज़बरदस्त। अभी आपका अच्छा एक चीज़ और भी है, सैनिटाइज़र को इस्तेमाल कैसे करना है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब लोगों को, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम कि इसको हमने ऐसे मालूम, ये देखिए ये लगाया ऐसे करके, और इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये अंगूठे जो आपने नहीं छोड़ने से करके ताकि पूरे इस पर लग जाए। ये थे ले जी, ये था सिंपली आपको बताने के तरीकेकार के, तरीकेकार क्या है इसका। आपको एक एक चीज़ मैंने डिटेल्स से सारी बता दी हैं, पूरी डिटेल के साथ आपको मैंने बताया कि कैसे बनाना है सैनिटाइज़र, और ये सिर्फ 5 मिनट की गेम है। बचाए मार्केट से परचेज करने के, घर में बनाए, और जो मार्केट से बेहतर बनेगा ये, और आपके सामने है ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। लेमन ने क्योंकि जो सिपड़ की स्मेल थी वो ख़त्म हो गई है, और अब लेमन जिसमें डाला है मैंने उसकी खुशबू भी अच्छी खासी है, और सब अब मज़े की खुशबू है। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए, और हर इंसान, हर वो बंदा जो घर में इस वक्त मौजूद है, और मैं ये चाहूँगा कि वो लोग घर में ही रहें, घर में हैं तो महफूज हैं। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, और उसके लिए क्या है, एहतियात करनी है आपने। वैसे तो आप घर में अगर हैं तो सबसे बेस्ट जो है आपके पास वो साबुन भी है, सोप, उससे अपना हाथ अच्छे तरीके से धोएं, 20 सेकंड धोएं आप। अगर आपको नहीं मिलता है या आप बाहर जाते हैं, बाहर से फॉर्म आपसे आते हैं तो मतलब आपको सैनिटाइज़र चाहिए होता है, तो सैनिटाइज़र के लिए आपने ऐसे लेना है, और इसको ऐसे करके आपने पूरे ऐसे, अब आप किसी चीज़ को भी हाथ लगा सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ जी, ये देखें अब खाली बोतल मेरे पास है, इसमें सैनिटाइज़र ही लेकर आया था मैं, तो खाली बोतल आपके पास होगी तो उसमें आप इसको फिल कर सकते हैं। मैं इसको भी पहले इसमें डालूँगा, और यहाँ से इसको फिर मैं इसमें डालूँगा, गिरे नहीं, और प्रॉपरली अब ये सैनिटाइजर आपका तैयार हो गया है। ये देखिए पूरी बोतल भर गई है इसको, और भी है मेरे पास, तैयार हो गया है, ज़बरदस्त खुशबू, बहुत ज़बरदस्त है। तो लोगों ने बड़ी अप्रिशिएट भी किया मुझे, थैंक यू वेरी मच। जो मेरी पहली वीडियो थी, एहतियाती तदाबीर के लिए मैंने मास्क जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे मार्केट में, रोड्स पर लोगों को, और बताया भी था उसके बारे में। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। और एक बात बताता चलूँ कि मैंने अब पूछ लूँगी कि डिटॉल क्यों डाला, डिटॉल की जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा इफेक्टिव है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्लीज़, लाइक कमेंट्स शेयर एंड सब्सक्राइब।